मिथुन राशि वालों का आज का दिन यानी कि 14 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 14 दिसंबर 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है अमावस्या, नक्षत्र है ज्येष्ठा, पक्ष है कृष्ण पक्ष, दिन है सोमवार। आज के दिन सूर्य उदय का समय है 7:05 में। सूर्य अस्त का समय है 5:26 में। ऋतु है हेमंत। आज का दिन काल है 10:20:09 का। महीना है मार्गशीर्ष। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपके लिए शुभ समय शुरू होता है 11:40 AM से 12:35 PM तक। अशुभ काल शुरू होता है 2:40 PM से 3:22 PM तक। राहु काल शुरू होता है 8:23 AM से 9:40 AM तक। आज के दिन दिशाशूल है पूरब दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। मित्रों, पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप कहीं भी धन संपत्ति का निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश करने से पहले आपको किस फील्ड में जाना है, कहाँ निवेश करना है, उसके बारे में आपको सारी बातें पता करनी होगी। क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप धन संपत्ति के मामलों में कोई भी लापरवाही करते हैं, तो पैसों के मामलों में परेशानी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर परिवार की बात करें, तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपके घर परिवार में, आपके पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय के दौरान उस परेशानी को, उस समस्या को आपको खत्म करना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपका पारिवारिक जीवन, आपके घर का माहौल, आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा खराब होगा। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। वैसे आने वाले समय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें कहना चाहते हो, तो ये सारी बातें कहने से पहले अपने पार्टनर, अपने प्रेमी के मूड, उनके स्वभाव को आपको जानना होगा। अगर उनका मूड सही हो, उनका स्वभाव सही हो, तो ये देखने के बाद ही आप अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपने प्रेमी
या अपने प्रेमिका के साथ साझा करें। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने कामकाज में, अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने सहकर्मी, अपने कर्मचारियों के साथ आपको वार्तालाप करना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने कामकाज में जल्दीबाजी में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। तो यही था आज का राशि फल। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि पूजा के दौरान रोली, कुमकुम, सफ़ेद चंदन और गोपी चंदन का प्रयोग आपको करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, नित्य पूजा के दौरान इन चीज़ों का प्रयोग अगर आप करते हैं, तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली अंक है 9, यानी कि 9। आपके लिए भाग्यशाली रंग है भूरा और सलेटी। तो यही था आज के दिन का राशि फल। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।